वेलकम टू वर चैनल एजुलर्निंग। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, उनमें से 5 मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको उसको इवेल्युएट करना है जिसमें साइन थीटा 3/5 आपको गिवन है। जैसे आपको मैंने बताया था, फर्स्ट भी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। साइन थीटा आपको गिवन है 3/5, ये आपको रेशियो में दिया है, तो मैं उसको 3k/5k मान लेते हैं, 3k/5k। तो आपको पता है साइन थीटा होता क्या है, सम पीपल हैव बीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी सी, और यहां मान लेते हैं ये एंगल क्या है थीटा। और आपको पता है जहां एंगल थीटा होता है उसके ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर में क्या हो गया आपका BC, एंड हाइपोटेनस क्या हो गया आपका AC। अब हम क्या करेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल पे, अपन क्या करेंगे सबसे पहले बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो पाइथागोरस होती क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या गिवन है आपका यहां पे BC प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें आपको बताया जैसे आपने देखा AC, AC क्या है परपेंडिकुलर, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू 5k BC, BC इज ऑल्सो गिवन टू यू 3k and BA we have to find out। Now ये होगा आपका 25k² = 9k² + BA²। अब हम क्या करेंगे इस 9k² को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये आएगा आपका 25k² - 9k² = BA² Now 25 - 9, 16k² = BA². Now what is BA? Is equal to √16k². So BA is equal to 4k। तो हमें BA की वैल्यू क्या मिली 4k। तो अब हमें BA 4k मिल गया, इसके साथ हमें सारी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस सारी वैल्यूज मिल गई। अब हमें इवेल्युएट क्या करना है, हमें इवेल्युएट करना है cosec थीटा माइनस cot थीटा अपॉन 2 cot थीटा। अब हमें बताया कि sin, sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो cosec क्या होता है उसका उल्टा, तो मीन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस cot क्या होता है tan का इनवर्स, तो tan क्या होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ओके थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग मीन, तो cot इज B by P, now 2 B by P, now we are putting the value in it, now hypotenuse is there 5k, perpendicular is there 3k, then minus sign, then base just we have find out 4k and perpendicular again 3k, okay now 2 into, now what is base 4k upon and perpendicular is 3k, now we are going to take the LCM over here, the LCM is 3k, so 5k minus 4k upon 8k upon 3k, now we first 5k minus 4k k upon 3k upon 8k upon, now this is going to be cancelled out, so it will become k upon 8k, k is going to be cancelled, so the answer is 1/8, so this is the solution of the first question. Okay, now we move to question number 2. In this they have given tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2, इसमें आपको दिया कि अगर ये
2 के बराबर है तो देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा. इट इज एन इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट आल्सो. सी हाउ, फर्स्ट वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2. दिस इज गिवन टू यू. अब आपने देखा यहां पे क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो अपन एक ट्रिक यूज करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड. ओके, नाउ वी स्टार्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड. देन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर. नाउ as you see in this, it is in the form of a plus b whole square. It is in the form of a plus b whole square. So first tan square theta mean a square plus b square plus 2ab, 2 tan theta into 1 upon tan theta is equal to 4. In this which identity we have used? We have used this identity. A plus B whole square. Okay. Now, see here. tan square theta plus 1 upon tan square theta. We keep as it is. Isko aise rakhenge because we have to find out the value of this. Now, see, we are going to cancel this 2. So, this is, it will become 2 is equal to 4. tan square theta plus 1 upon tan square theta. Now we have taken this to that side, so 4 minus 2 tan square theta plus 1 upon tan square theta is equal to 2. So now this question is solved. So the value of tan square theta plus 1 upon tan square theta is equal to 2. Okay, now we move to the third question. It is proving based question. इसमें हमें प्रूव करना है कि root 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta is equal to sec theta plus tan theta. So first we start from LHS. Now what is LHS? 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta. आपने 9th class में पूछ लिया होगा रेशलाइजेशन. Same we are doing over here. तो 1 minus sin theta upon mean we just change the sign over here, 1 plus sin theta. Okay, now this is 1 plus sin theta into 1 plus sin theta, so it will become 1 plus sin theta whole square. Okay, now I see here 1 minus sin theta, 1 plus sin theta. By seeing this, which identity come into your mind? Mean a plus b, a minus b, mean it is the identity of a square minus b square, mean 1 square minus sin square theta. So it will become like this, 1 plus sin theta whole square upon 1 minus sin square theta, 1 plus sin theta whole square upon, now 1 minus sin square theta is cos square theta, cos square theta. See how this will come. We know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, now we take sin that side, so cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. So 1 minus sin square theta is cos square theta. Now with this square we remove the root sign, so this will become like this, 1 plus sin theta upon cos theta. अब आपको पता है ये 1 के नीचे भी cos theta है और sin के नीचे भी cos theta है, तो we can write down like this, 1 upon cos theta plus sin theta upon cos theta. Now 1 upon cos theta is sec theta, it is the inverse value of sec theta plus, now you know the sin theta upon cos theta is tan theta. We can write it over here also, that sec theta is equal to 1 upon cos theta and tan theta is equal to
sin theta upon cos theta. So we got the answer sec theta plus tan theta. This only we have to prove. So LHS is equal to RHS, hence proved. Okay, now we move to the fourth important question of today's session. Now in this question we have to prove that this is equal to that. So again we are going to start with the LHS. Now what they have given in the LHS? They have given that sin theta plus cosec theta whole square plus cos theta plus sec theta whole square. This they have given to you. Now while seeing this, which formula we can apply? Just we see, we are using over here a plus b whole square, that is a square plus b square plus 2ab. Okay, now see, sin square theta plus cosec square theta plus 2 sin theta cosec theta. Okay, now from here plus, now again applying the same identity over there, a square mean cos square theta plus sec square theta plus 2 cos theta sec theta. अब हमने इसमें आइडेंटिटी लगा दी है. अब हमें इस तरह से अरेंज करना है कि हम एलएचएस को सॉल्व करें वो आरएचएस आ जाए. आपने फर्स्ट देखा है हमें 7 है, tan square theta है और cot square theta है. तो फर्स्ट अपन को इस तरह से अरेंज करना कि 7 plus tan square theta plus cot square theta आ जाए. तो अपन स्टार्टिंग यहां से करते हैं कि फर्स्ट sin square theta एंड cos square theta इसको अपन एक साथ लिख देते हैं तो हो जाएगा आपका sin square theta plus cos square theta. इसका आगे cosec square theta है. आपने आइडेंटिटी से पढ़ा है कि cosec square theta है 1 plus cosec square theta आपका होता है 1 plus cos square theta. 1 plus cot square theta plus 2. Okay, now sin theta ऊपर ले सकते हैं 1 upon cosec theta. Inverse ratio 1 upon cosec theta into cosec theta plus, अब ये cos अपन पहले वहां ले चुके हैं तो sec को क्या कहते हैं 1 plus tan square theta plus. अब अगेन इनमें से किसी एक को अपन चेंज कर देंगे. हम बता दी cos का इनवर्स sec होता है, sec का इनवर्स cos होता है. तो 2 into 1 upon sec theta into sec theta. अब आपको बताया है कि sin square theta plus cos square theta क्या होता है 1 plus cot square theta. Okay, now here cosec and cosec cancel. तो plus क्या रहेगा आपका 2. Then again plus 1 plus tan square theta plus 2 because this sec cos sec cancel हो जाएगा. और ये आइडिया आपको पता है कि क्या होती है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है. ये अपना कहां से आया था cosec square theta आपका होता है 1 plus cot square theta और sec का होता है आपका sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Now we add 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, plus 1 5, plus 2 7. This becomes 7 plus cot square theta plus tan square theta. Now LHS is equal to RHS, hence proved. इससे पहले अपन ने बहुत सारे सम sin square theta plus cos square theta is equal to 1 आइडेंटिटीज लगाई है. कई बार आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट sin square theta cos square theta is equal to 1. ओके, तो अपन इसको पहले सॉल्व करते हैं. सबसे पहले इसलिए लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी एंड दिस इज थीटा. तो आप सबसे पहले अपन लेते हैं sin theta. sin theta होता क्या है सम पीपल हैव mean perpendicular upon hypotenuse. Okay, now
But where is perpendicular? Perpendicular is AB. AB upon hypotenuse is AC. ओके okay, अगर हम इसमें पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा और हम यहाँ स्क्वायर लगा दें तो यहाँ पे क्या होगा, हर जगह पे क्या जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा. इन द सेम वे कॉस थीटा मीन कर्ली ब्लैक हेयर मीन बी अपॉन एस मीन बेस अपॉन हाइपोटेनस. नाउ हियर बेस इज बी सी एंड हाइपोटेनस इज ए सी. In the same case, putting square, it become like this. Now in right angle triangle ABC by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem. So first, what is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So आपकी ये क्या है आपकी ये this is Pythagoras theorem. अब हम क्या करेंगे divide whole equation by AC. हम पूरी equation क्या करेंगे AC से divide कर देंगे. तो divide equation one we name it equation one by AC square. Divide whole equation by AC square. Now we are having equation like this. AC square is equal to AB square plus BC square. Again AC square AC square AC square. Now this is going to be cancelled and it become 1. Now you know that it is AB upon AC. And what is AB upon AC is sine square theta. So sine square theta. And BC upon AC is cos square theta plus cos square theta. So hence proof. Okay. So ये क्या यार कई बार वैसे basically ये identity है कर पाई का कई बार ये पूछ ली जाती है कि how we get sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो आज के session के five sum complete हो चुका है. तो just watch the channel for the next five questions.